YouTube चैनल, मैं हूँ रिया और आप सभी लोगों का आर शर्मा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो रहने वाला है उत्तराखंड फिल्म पे। तो क्या आपको पसंद है? आप उत्तराखंड मूवी देखना पसंद करते हैं क्या? और बड़े लंबे वेट के बाद हमारी थोकदार मूवी आई है दिल्ली में, गढ़वाल भवन पंचकुया रोड में लगेगी। भाई मैं तो उत्तराखंडी हूँ तो मुझे अपनी गढ़वाली मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं तो ज़रूर जाऊँगी और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो प्लीज़ इस मूवी को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए और देखिए। अभी उत्तराखंड के कोटद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में ये मूवी लगी थी, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे कि मैं फेसबुक के थ्रू देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोग वहाँ पे। अभी देखना बाकी है कि हमारे दिल्ली में किस तरीके से लोग इसको पसंद करते हैं। हमारे बिल्कुल ही हट करके ब्लॉग हम करेंगे, देखते हैं, मिलते हैं लोगों से, मिलेंगे और आज खुल के बात करेंगे। खाती हूँ किस तरह, कितनी तेज बारिश हो रही है। ये हो रही है बारिश बहुत तेजी से। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं सीधे ही गढ़वाल भवन में। और ये देखिए, और ये देखिए संजय मेरे साथ हैं। ऐसी हो रही है, सावन के महीने में होनी चाहिए लेकिन ये आज हो रही है। कितना कूल है, माय गॉड, ये देखिए दिल्ली का हाल। यहाँ पे मुझे मिला है रमेश, साथ में चलते हैं, ठीक है? ओके, क्या करें बारिश में भी। वाह, लगाना पड़ता है। ये देखिए इनकी शॉप यहाँ पर भी है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दिखाया था उत्तराखंड बाजार, ये आप देख सकते हैं। नाइस नाइस सुपर। तो ये देखिए, ये है मनोरमा जी, मेरी फ्रेंड आ चुकी हैं। कैसी हो? बस हम आपका वेट कर रहे थे और बारिश में भीग रहे थे हम एक्चुअली। पूछो वाला क्वेश्चन आप पूछो। देखो ये भी मेरे बालों पर क्या खराब मेरी बात। हाय रिया, कैसी है? ये है रमेश जी। मेरे बाल कैसे खराब हो गए? नमस्कार, मेरा नाम विकास चमोली है। मैं गढ़वाली तहसील सभा दिल्ली पंजीकृत 1923 का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और जो ये फिल्म लगी है थोकदार, थोकदार तो आपके समाज में बोला जाता है थोकदार, पर उसका एक्चुअल मीनिंग था तोकदार। तोक मतलब होता था एक एरिया, एक एरिया का रेस्पॉन्सिबल बंदा, जिसको राजा एक एरिया देता था कि आपने यहाँ का कानून भी संभालना है, आपने यहाँ की सारी व्यवस्थाएं संभालनी है, लोगों को न्याय भी देना है और लोगों को पद भी देने हैं। ये फिल्म जो उसमें बनी है बहुत सही है, हमारे आज के आने वाले समाज को उस चीज़ के बारे में पता लग रहा है। हाँ, और इससे आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगेगा कि हाँ ऐसे भी लोग होते थे हमारे यहाँ, जिनकी अपनी एक विचारधारा होती थी, जो समाज में इस तरीके से एक व्यवस्था को चलाते थे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। काफ़ी बारिश हो रही है तो बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट मैं फिर भी आपको मैम से बात कराऊंगी। ये फर्स्ट हमारी अभिनेत्री है उत्तराखंड की, तो आइए मिलिए इनसे। ये है कुसुम बिस्ट। आज मैं ये थोकदार देखने आई हूँ और काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं देखूँ। और एक एज ए आर्टिस्ट होते हुए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फिल्म देखने आएँ।
और आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, कितनी मुश्किलों से मैं आई हूँ। और अभी तो आते समय पहले तो मैंने प्रेमी आई हूँ मैं, हाँ बड़े संघर्ष जैसे फिल्मों के लिए किया वैसे फिल्म देखने के लिए भी करना पड़ रहा है। तो और इस फिल्म के लिए और सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी को ये फिल्म अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक बार पहले एक साथ कई लोग मिल चुके हैं। ये हमारी आंटी है सुशीला रावत जी, हमारी गढ़वाल की पहली निर्देशिका जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बनाती है, डायरेक्टर डायरेक्शन देती है। तो आइए अब मिलते हैं फर्स्ट लेडी डायरेक्टर ऑफ उत्तराखंड और मैम। अब मैम अभी हमारे साथ देखेंगी, मैम देख चुकी हैं, तो मैम बताएंगी कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है गढ़वाली मूवी के लिए। देखिए मैं जो कहूँगी, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि किसी फिल्म की बुराई करें या अच्छाई करें, अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि फिल्में बन रही हैं और जब फिल्में बनेंगी धड़ाधड़ आएंगी एकदम, तब हम उनके परखेंगे कि अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी। जो भी किया अच्छा प्रयास है, अच्छी फोटोग्राफी है, कलाकारों का काम अच्छा है, अच्छी फिल्म है, आप सब देखिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड की फिल्में आजकल एक के बाद एक आ रही हैं और लोगों का जो है रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यस मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि लोग अपनी हिंदी मूवी को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन अपनी गढ़वाली मूवी को देखने के लिए लोग देखने के लिए नहीं आते, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्या रीज़न हो सकता है मैम ऐसे? नहीं, रीज़न नहीं, एक तो मुझे लगता है देखो पब्लिसिटी की कमी हो सकती है कि वहाँ तक उन तक मैसेज ही नहीं जाता, अभी लोग काफ़ी आए हुए हैं ऐसी बात नहीं है, मैसेज की कमी हो सकती है। दूसरा फिर दिल्ली जैसे शहर में होते, दिल्ली बहुत बड़ी है, अब तुम सोचो रोहिणी का आदमी यहाँ आएगा तो कितने दो घंटे आने के दो घंटे जाने के ये सब लगेंगे, तो बड़ा मुश्किल का है। लेकिन हाँ आज मैं कह सकती हूँ आज बारिश की वजह से भी मौसम की वजह से मेरे को लग रहा है लोग फिर भी आए हैं, ये अच्छी बात है कि आ रहे हैं लोग। ये देखिए ये मैं दिखा देती हूँ, दो दो हम लोगों ने छाते लगे हुए, बारिश हो रही है बाहर के लिए। अच्छी है, लोगों ने कलाकारों ने मेहनत करी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके इंसान आगे बढ़ता है और ये अपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और इस स्थिति में नहीं कि हम किसी फिल्म की बुराई करें, नहीं नहीं मैम, काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी जैसे पहले एक आधी मूवी बनती थी, अभी मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर हो चुके हैं, काफी सारी फिल्में बन रही हैं अभी, स्पेशली गढ़वाली लैंग्वेज के लिए बहुत अभी एक ही रीजन था, ये ना काम करो। अभी रिसेंटली एक फिल्म का मैंने प्रोमो देखा था, माटी पहचान, बहुत जबरदस्त प्रोमो था, उसमें है कि उन लोगों ने लगाई भी, मतलब पूरे कुमाऊनी है पर उन्होंने लगाई भी 8-10 हॉलों में इकट्ठी है, 75 रुपीस की टिकट थी उसमें 23 सितंबर को, सिर्फ एक ही दिन सितंबर, बाकी तो टिकट भी हाउसफुल जा रहा था, लोगों ने हाथों हाथ लिया, अच्छी चीज तो हर कोई अपनाएगा, अच्छी बात है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो एक और दर्शिका हमारे साथ है और आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके, तो ये भी मूवी को देख चुकी है, ये है अंजू भंडारी, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, सब अच्छी है। थैंक यू सो मच। और तो मैम बताइए कुछ मूवी के बारे में, किस पे बेस्ड है मूवी? वैसे तो मैंने लास्ट का जो है मुझे सीन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और फिल्में मैं देखती हूँ मार धाड़ होती है, कई बार जो विलेन है वो हीरो को मार देता है, इस तरह से ही होता है ना, लेकिन इस मूवी में मैंने लास्ट में ये मैसेज पाया है कि जिसमें हीरो है विलेन की जान बचाता है और वो इतना बुरा होता है फिर भी उसको मतलब बचाता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और उनके जो मम्मी पापा के बीच जो भी प्रॉब्लम थी ना वो भी सॉल्व करता, तो मुझे मूवीज में भी नहीं होता, तो उसमें मुझे देखते थे। और हमारी आने वाली फिल्म में अभी आगे प्लीज देखते रहिए, अभी और सारी फिल्में हैं, मैम की फिल्म है, मैं भी एक मूवीज में हूँ, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपने इन फिल्मों को इतना देखा है, सपोर्ट किया है, वैसे ही हमारी आने वाली फिल्म को भी करिए। कौन सी मूवी में बताइए आपकी अपकमिंग मूवी कौन सी है? अजान मूवी है, वो मर्डर मिस्ट्री है,
और अभी तो खैर उसकी डबिंग वगैरह चल रही है, तो उसमें मैंने एक ओल्ड लेडी का किरदार और वो भी गांव में किया है, तो आशा है कि आपको भी आप सब उसको लाइक करेंगे इसी तरह से। और जय उत्तराखंड करी और फ्यूचर फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सपोर्ट जरूर करें आना, चाहे कोई भी फिल्म हो लेकिन प्लीज़ आप बहुत सपोर्ट करें आना, और बिना आपका तो शायद हम भी खुश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोली उन्होंने। आज एक गडल पिक्चर दिखना गया छीन, खुद एक कलाकार छीन और ये बारिश में भी घुमाया छीन, तो यहाँ से बड़े कला प्रेमी और बिगड़ा छीन से बाजे, तो यहाँ से बड़े बड़े कला प्रेमी क्या हो सकते हैं। हम भी बड़े नया जन, हम बहुत दूर दूर बड़े नया जन। मैम गाजियाबाद बटे ना, मैम गाजियाबाद से आई छीन, गाजियाबाद वो सुंदर बटे ना, और मैं श्री निवास। हाँ, और मैं भी झंडे वालन से आई हूँ, बट मैं भी तैयार हूँ, एफर्ट मेरा भी बनता है भाई, क्यों नहीं बनता है इस बारिश में। ये देखिए मेरा सूट बिल्कुल फुल ऑफ भीगा जा रहा है, कौन मेरा, तो ये देखिए, तो ये देखिए इस बारिश में भी, ये है अमरताप जी, और ये वो भी देख चुके, बहुत अच्छी लगी है उसमें पन्नू गुसाई और राजेश मालगुड़ी जी की एक्टिंग अच्छी लगी, और भी उसमें बहुत सारे हमारे मित्र हैं, राजेश क्या बहुत भली लगी, ये भिन्नता भी आ रखी है आज गाजियाबाद की स्पेशल पिक्चर देखने। ओके, ये कौन से यूट्यूबर यार भी आ रखी है, इस दिन मूवी देखने के लिए हम तो कोई नहीं कर रहे थे। अच्छा, अरे होने वाले, अभी देखिए मूवी शुरू होने वाली है, अब मूवी शुरू होने वाली है और हम लोग आपको रिव्यू देंगे। ये देखिए सारे बाल भीग चुके हैं मेरे, भीग चुके हैं, सही स्ट्रेट किया था अपने यार, और ये फिर से वैसे के वैसे हो गए अच्छी लगी मेरे को। एक्चुअली जो कलाकार की एक्टिंग है वो बहुत पसंद है, सभी कलाकार बहुत मजबूर आर्टिस्ट है, और कहानी तो ठीक ठाक है अच्छी, लेकिन कहानी के साथ कलाकारों ने न्याय किया। एक्टिंग वाइज ऑल आर गुड। आई बस ऐसी अपनी जो एक फैमिली स्टोरी थी, उतनी होती कोई छुपरा पैदा और वो जो अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है वो सब दिखाया, फैमिली ड्रामा ही समझ लो उसको, लेकिन वो जो जुर्म शुरू से होता है ना तुमदारों से और जो वहाँ के जो साहूकार सेठ नाम आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन गरीबी पर अमीरी का अत्याचार, मतलब बड़े परफेक्ट दोनों हीरोइन एंड वो हीरो। हाँ यस, और दूसरे आते पन्नू गुसाई और राजेश मालगुड़ी वगैरह तो बाकी फेम में बहुत बढ़िया काम हम लोगों ने सुना है। हाँ यस, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी पिक्चर लगी, और मैंने पहली बार उत्तराखंड की पिक्चर देखी है, पहले कभी नहीं देखी उत्तराखंड की, पहली बार देखी, फर्स्ट टाइम आया, बहुत अच्छी। बोलो कुछ बोलो, तो आंटी आप देख चुके हैं मूवी कि आप देखेंगे, आप मूवी देख रही हैं, देख रही हैं, बोलो कुछ। हेलो सर, हाँ आप प्रिया शर्मा, यस 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 यस, वो जिंदगी के बाद, यस यस। बहुत दिन हो गए साला दारू पे चला दिखता
मैंने आपकी मतलब आपको एज ए हीरो ही देखा है और यहाँ पे आप विलन का रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे से निभाया आपने यहाँ पर। सबसे पहले तो आर्ट शर्मा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप समय निकाल के यहाँ पहुँचे, और बहुत खुशी की बात है कि हमारी थोकदार फिल्म गढ़वाल में धमाल मचाने का बाद दिल्ली में धमाल मचाणी चा। और मैं सभी दर्शकों से ये अपील कर लूँ कि आर शर्मा चैनल से आप सब्सक्राइब कर दिया, यूं तो शेयर कर दिया, और यूं कुछ चैनल आपका अच्छा लगने हो तो जरूर इनाम होना भी जरूर शेयर कर दिया, ताकि यूं चैनल आप तक हमारी आवाज पहुंचा सके। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। क्या नाम से साहब चैनल? आर शर्मा ब्लॉग। नमस्कार, आज फिल्म देखी थोकदार, बहुत बढ़िया, और दिल्ली जन शहर में भी बहुत जन भीड़ मिल जो फिल्म ऋषिकेश देहरादून में हुई, इतना अपार सफलता ले, वहाँ के बाद दिल्ली में भी आज अच्छा रिस्पॉन्स मिल, तो हम लोग भी दिखना का है, हमारा फर्ज बन दो कि हम फिल्म दिखना जा बोल कि हमारे फिल्म दिखना भी आल, और ये वजह से हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़े, तो फिल्म हम तो बहुत बढ़िया लग, धन्यवाद। हाँ जी, फिल्म बहुत अच्छी है, और सबसे मेन बात हम थे ये लगती कलाकार बहुत अच्छा गड़ोल बुना है, कलाकार गड़ोल है ना, अब तो आप लोग भी गड़ोल बुना, हमारे ऑडियंस में बहुत बढ़िया गड़ोल बुनी, अब हर आदमी कोशिश करो घर में कि हम गड़ोल बोला हर अच्छा लोग, अब मैसेज तो हमारा आज बेटे नहीं हमारे 30-40 साल बेटा मैसेज कि अपने गड़ोली भाषा बोला, घर में बोला, बाल बच्चों दगड़ बोला, और फिल्म देखो, फिल्म देखने से बहुत गड़बड़ आंधी, और हम तो समय भर दिखे चुके क्या होना है क्या नहीं होना, और फिल्म भी देखा, फिल्म से इनके अभी वो एक उद्योग हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार कई लोग काम करना, जन जन यूट्यूबर भी काम करना, हम भी काम करना, और हम भी एक फिल्म ही बनाना शौक, हाँ एक छोटी फिल्म, तो ये संदेश है जो अब गड़बड़ भाषा थे, चाहे आप कुमे चाहे तो कुमे बोला, गड़बल चाहे तो गड़बल बोला, और हिंदी भी बोला, अंग्रेजी भी बोला, विदेशी भाषा भी बोला, लेकिन पर अपर घर में अपर कुटुंब दे गड़बर घर में गड़बड़े या कुमाऊनी जरूर बोला। एक बात की ये साल कम से कम 9 फिल्म तैयार हुई, हम 9 फीचर फिल्म, अरे हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी बात है, तो वह सब आगने, और हम तो अजा नहीं हमें नहीं देखने की आज 3-16 गिन हाउसफुल है, तो यहाँ मतलब लोग भी इंटरेस्ट लेना चल बढ़ाना, भी इंटरेस्ट लेना तो सब इंटरेस्ट, हाँ, और जबकि सबसे मेन बारिश होनी चाहिए दिल्ली के मौसम के सभी जगह, वहाँ दिल्ली के मौसम 5 दिन बेटा का इतना खराब थी, कंटिन्यू बारिश होनी, लेकिन लोग फिर भी सुबह 11 बजे पहुँचे, हॉल फुल चार, दिन में 2 बजे पहुँचे, 5 बजे पहुँचे, और सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ से हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर छ कलाकार छ उत्साह और बढ़त, अरे और आगने और काम करल, तो हमारे उत्तराखंड नगुण बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल, तीन टाइम फुल छाई ये मिल विद्यार्थी मिल लास्ट में मचाई लास्ट बैच में छाई, लेकिन फिर भी पूरी भरी छाई, और मतलब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लाई, अच्छी चाहिए मतलब, तो आप लोगों को की बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, कलाकार से मिलते हूँ। आपने देखा होगा थोकदार मूवी में जो राधा की फ्रेंड बनी थी, तो आइए मैं उनसे मिलवा देती हूँ आपको। हेलो, आप सभी को नमस्ते, हाय, तो आपका बहुत अच्छा रोल था इसमें, थैंक यू, और सबसे अच्छी उम्मीद ये लग के आप लोगों ने गढ़वाली बहुत अच्छी बोली है पिक्चरों में, हाँ हम तो मतलब उन तो आए नहीं छे गढ़वाल, पर इन्हें मम्मी दगल घर में बोल बोली कर मैं सीख गई गढ़वाल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका किरदार भी एकदम बहुत अच्छी चाहिए, और धन्यवाद, बोली भी बड़ी अच्छी लगी। नमस्कार, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग की जो भी पिक्चर्स यहाँ पे बन रही है गढ़वाली भाषा की, तो वो सिर्फ एक मैसेज तो कन्वे हो रहा है कि आप अपनी भाषा को बोलें, सीखें अपने परिवार के साथ, और इस मूवी में ये था कि आपको बुराई के साथ बुराई नहीं करनी है, आपको बुराई के साथ अच्छाई करके उसको बुराई को भी अच्छाई में बदलना है, तो ये इन लोगों का मैसेज था जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस फिल्म में गाने बहुत अच्छे थे, टचिंग सॉन्ग थे, बहुत मीठे सुरीले गाने थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और बस मेरी गुड विशेज है कि ऐसी मूवीज़ बनती रहे, हमारा उत्तराखंड ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हमारी
फर्स्ट अभिनेत्री उत्तराखंड की, तो उनको एक फोटो हो जाए ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। रिया शर्मा जी, कैरेक्टर दे सकता हूँ, कैरेक्टर दे सकता हूँ, पर जोशी के साथ, जोशी के साथ ठीक है। ये तो अभी हम लोग मूवी देख चुके हैं, फिनिश हो चुकी है, हम लोग थर्ड शो में थे और बारिश होने के बावजूद भी पूरी दिल्ली में पूरे ग्रुप में आकर के लोगों ने मूवी देखी। और सर से मिलते हैं अब हम, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं इस मूवी के। आइए उनसे जान लेते हैं इस मूवी के बारे में और उनका क्या सोचना है कि मूवी कितनी कारगर रहेगी। ये हैं मिस्टर देबू रावत जी। थैंक यू रिया जी। ये जो मूवी मैंने दिल्ली में लगाई है गढ़वाल भवन में, तो आज इतनी बारिश थी सुबह से ही, 7-8 बजे से बारिश थी कंटिन्यू, लेकिन जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया फिल्म देखने का वो बिल्कुल अमेजिंग था। बहुत कम से कम 250 लोगों ने पहले शो में फिल्म देखी और मुझे लग नहीं रहा था कि 20-25 लोग भी आएंगे, लेकिन दिल्ली वालों का जो जुनून है अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा के प्रति, वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सर यही था कि अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा के लिए लोग यहाँ पर आए बारिश के होने के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल था। और सेकंड शो में भी, तो सेकंड शो के शुरू होने से पहले तो कंटिन्यू बारिश थी, 2 बजे वाले शो में, और उसमें भी कम से कम 150-200 लोग बैठे थे। और तीसरे शो में तो बहुत मोटी बारिश हो गई थी, फिर भी 100 से ऊपर लोग बैठे थे। तो मैं दिल्ली की जनता का, जो दर्शक है हमारे अपने उत्तराखंडी फिल्म के, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो इतना अपनी बोली भाषा और संस्कृति को इतना प्यार करते हैं और हमारी फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। और मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरी ही नहीं, आगे किसी की भी फिल्म बने, चाहे कोई भी गढ़वाली फिल्म बने, उनको भी इसी तरह से सपोर्ट करें। हाँ जी। क्योंकि ये हमारी जब फिल्में बनेंगी तभी हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, जो प्रवासी हैं, वो अपनी बोली भाषा और उसके बारे में जागृत होंगे। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत बहुत थैंक यू दिल्ली वासियों, और आप जो है आगे भी जो फिल्में आएंगी, अभी मैं इसको बुराड़ी में, संगम बिहार में, इंदिरापुरम में 3-4 जगह और लगाने वाला हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज इस फिल्म को जरूर देखिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और पूरी इंटरटेनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रामा है, रोमांस है, म्यूजिक है, यस, और उसके अलावा जो है एक्शन भी है। जी, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए। थैंक यू। जी जी जी। तो मैं फिर से वेलकम करूंगा लोगों का वो फिल्म देखने के लिए जरूर आएंगे। थैंक यू सर, और आशा करते हैं कि आपकी मूवी कई लोग देखने आए। इंदौर में, देहरादून में और ऋषिकेश में सुपर हिट हो चुकी है, लेकिन पूरे आज 600 लोगों ने फिल्म देखी है, तो मैं गदगद हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ की जनता को, यहाँ के दर्शकों को। थैंक यू मच, और थैंक यू रिया जी। ये देखिए अब हम मिल रहे हैं गबरू जी से, तो सर बताइए, बहुत अच्छा रोल है आपका। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। रिया शर्मा जी का चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब और आगे बढ़ाए, और मैं गबरू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोकदार बने हुए थे। हेलो सर जी, नमस्कार। अभी मैं आपकी मूवी देख के आ रही हूँ थोकदार, बहुत ही अच्छी मूवी, और आपने उसमें जो रोल प्ले किया है बहुत ही दमदार, स्टनिंग रोल। सर आप बताइए इस मूवी के बारे में, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि बेसिकली ना उत्तराखंड में थोकदार हुआ करते थे। मैंने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, और देवू भाई ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई कि भाई एक थोकदार का एक्टर है, जो मतलब बेसिकली गांव में एक रौबदार का एक्टर होता है। तो मैंने कहा भाई आजकल ये मतलब परंपरा शायद खत्म हो चुकी है कि भाई थोकदार मैंने नहीं सुना। तो कहता नहीं यार, थोकदार को जमींदार कहा करते थे पहले, तो उन्होंने जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली और कहा कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, तू कर इसको, तू अच्छा लगेगा। मतलब बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगा मैम आपके चैनल के माध्यम से, कि आज उत्तराखंड में बहुत टाइम से फिल्में नहीं बन रही थी, और पिछले 5-7 साल में इतना बड़ा गैप आया कि कोई फिल्म नहीं बनी। 2016 में हम लोगों ने फिल्म करी थी लिया ठुंगार, उनकी उर्मिल जी की फिल्म थी सुबेरे खाम। उसके बाद फिर फिल्म मेरी आई 2018 में, मेजर निराला की फिल्म थी बहुत अच्छी। फिर कोरोना आ गया, फिल्म डंप हो गई। देन उसके बाद अभी 2022 मेरे ख्याल से उत्तराखंड का स्वर्णिम इतिहास है। इस साल 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं मेरी, जैसे मेरी पहली खैरी का दिन रिलीज हुई थी, खैरी के दिन ने भी बहुत अच्छा परचम लहराया उत्तराखंड में हर जगह। सेकंड पहले रिलीज हुई फिल्म हमारी थोकदार, तो थोकदार भी बिगेस्ट रही है, सुपर हिट रही है फिल्म,
और आज गढ़वाल वन में आपने खुद देखी, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अगर मैं तारीफ करूंगा तो वो अच्छा नहीं है। बेसिकली आप लोग क्रिटिक्स भी हैं और फिल्म भी आपने देखी है, तो मेरा कहने का ये तात्पर्य सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारी जो उत्तराखंडी जनता थी वो फिल्म देखने नहीं आया करती थी। आज 3 फिल्मों के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी पब्लिक फिल्म देखना चाहती है, उन तक शायद हम लोग पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमारी जो फिल्म का बजट होता है वो छोटा सा बजट होता है, हम पब्लिसिटी उतनी कर नहीं पाते जितना लोग चाहते हैं। हम डोर टू डोर नहीं जा सकते हैं, ये हमारे पास उतना बड़ा साधन नहीं होता कि हम नेशनल न्यूज़ पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी आज जनता हम लोगों को पसंद कर रही है, हमारी फिल्में पसंद कर रही हैं और जनता हॉल तक खुद आ रही है। लोगों का एक मन था कि नहीं यार वो हिंदी फिल्म बहुत अच्छी होती है, रीजनल में कुछ नहीं है, लेकिन आज वो धारणा ख़त्म हुई है। आज बच्चे फिल्म देख रहे हैं और जितनी ऑडियंस आ रही है वो 19-20 की वजह से मोदी जी ने प्रमोट करा हमारे उत्तराखंड को। लेकिन हम लोग ना ये बोलते बड़े झिझकते थे कि हम लोग पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से हैं, जबकि उत्तराखंड को आज पूरा हिंदुस्तान प्रमोट कर रहा है। बोलते कि शायद हम यार उत्तराखंड बोल के हम लोग छोटे हो रहे हैं, हीन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ देवता लोग भी पैदा होने त्रस्त हैं, उनका निवास है, वो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर जन्म लेना, यहाँ जन्म लिया है, और हमारी हीन भावना से ही हम लोग अलग हुए हैं। अगर हम लोग सब इकट्ठे चलते और हम आज एक दूसरे को प्रमोट करते तो हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं होती, लेकिन आज वो शायद मुझे लग रहा है वो दिन आ गया और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि हम सब लोग इकट्ठे आके आज फिल्में देख रहे हैं। आज हमारी इंडस्ट्री के इस और कोरद्वार में ये बोला कि सर हम गढ़वाली देखेंगे, वो बाइटें मेरे पास हैं कि हम हिंदी नहीं देखेंगे अब, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि जो यूथ कनेक्ट हो रहा, आज यूथ कनेक्ट नहीं होता था सर, अब हमारे जो माताएं बहनें थी वो कनेक्ट होती थी। लेकिन बहुत बढ़िया, उसमें गाने भी बहुत अच्छे गाने हैं ना, लोकेशंस बहुत अच्छे थे और फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी जी। बस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का थैंक्स है, ऑडियंस का थैंक्स है, जनता का थैंक्स है, आप लोग आइए अपनी। हम हर बार एक बात बोलते हैं, हमारे नेता भी मन से बोलते हैं कि भाषा बोली संस्कृति बचाए, पर वो बचेगी तब जब हम लोग अपने यूथ जनरेशन को फिल्म दिखाएंगे, है ना। तो बस यही कहना चाहूँगा, बाकी जय भारत, जय उत्तराखंड। Oh, 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 oh